हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लॉ वीडियो, टॉपर स्टॉक, सक्सेस स्टोरी और बहुत सारे अभी हम लोग काउंसलिंग पे वीडियो ला रहे हैं बीएचयू से रिलेटेड, क्योंकि इन लोग का यूजी एंड पीजी का पेपर हो चुका है। बहुत सारे लोग के मार्क्स इतने अच्छे हैं कि वो लोग कट ऑफ में आ गए हैं। तो अब उन सभी लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है, और इन सभी लोग चीजों में हम खुद आपका हेल्प करेंगे ऑन द ग्राउंड लेवल बीएचयू काउंसलिंग मेनू पर खड़े होकर। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हमारी अपकमिंग वीडियोज अभी बहुत अच्छी अच्छी आनी बाकी है, जिसमें हम लोग अभी कम से कम कितने खर्चे में आप बीएचयू में रह सकते हो, हॉस्टल में कितनी फीसेज लगेंगी, कोर्स वाइज कितनी फीसेज लगेंगी, इन सभी वीडियो जाना बाकी है। और आज का जो वीडियो है वो हमारा है बीएचयू के रेगुलर एंड पेड सीट के बारे में। गाइस ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको पूरा मास्टर बना दूंगा, क्योंकि ये खुद एक मास्टर वीडियो होगा। अभी तक यूट्यूब पे सबसे बेहतरीन वीडियो होगा। बहुत सारे वीडियो पेड सीट पे गए होंगे, लेकिन इतने ज्यादा डेटा के साथ, इतनी अच्छी एनालिसिस के साथ तो वीडियो नहीं गया होगा, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे आपको इतने बेहतरीन तरीके से मैं इनसे रिलेटेड पूरे पॉइंट्स को बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके दिखा दूं। देखिए एग्जांपल ये है मेरे हाथ में। देखिए जब आपका कॉल लेटर आता है तो यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलम बने होते हैं। पहला जो कॉलम रहता है होता है काउंसलिंग फॉर रेगुलर फी सीट ऑन मेन कैंपस। दूसरी लाइन लिखी रहती है काउंसलिंग फॉर पेड सीट ऑन मेन कैंपस। फिर इसी के साथ नीचे एक और कॉलम बनेगी जो एफिलेटेड के लिए जनरेट होगा, तो उसमें लिखा रहेगा काउंसलिंग फॉर रेगुलर सीट इन एफिलेटेड कॉलेज लाइक एमएमबी, डीएबी ऐसे। और उसके बाद भी एक और कॉलम लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा काउंसलिंग फॉर पेड सीट इन एफिलेटेड कॉलेज लाइक डीएबी, एमएमबी समथिंग, ठीक है। तो ये कॉल लेटर आप देख लो, ऐसे ही चीजें आपके लिए आती है, जिसमें एक और चीज लिखा रहता है, डेट लिखा रहता है, टाइम लिखा रहता है, रैंक टाइप लिखा रहता है, और वेन्यू मीन्स आपकी काउंसलिंग कहां होनी है। ये सभी लोग को बहुत जल्द जनरेट होने वाला है, क्योंकि आपके रिजल्ट्स के बाद अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि रेगुलर और पेड सीट क्या होता है। प्लीज जल्दी से लाइक ठोको, पहले क्या करना है, लाइक करना है पहले चैनल को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि काउंसलिंग की पूरी जानकारी यहां मिलने वाली है, ठीक है। और हमारा एक और चैनल है यू गुरुकुल, जिसको आप लोग जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहां पे हम लोग इंडिया के सभी सर्वश्रेष्ठ और जितनी भी बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटी है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं विद उसके एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, ठीक है। देखिए बीएचयू जो होता है वो दो तरीके से एडमिशन लेता है, पहला है रेगुलर सीट और दूसरा है पेड सीट के माध्यम से, ठीक है। कैसे एडमिशन लेता है? रेगुलर सीट और पेड सीट के माध्यम से। रेगुलर सीट के बारे में लगभग लोगों को पता है, मींस कॉमन एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो रेगुलर सीट होता है, मींस आप रेगुलर फी सीट, आप लिख लो इसको रेगुलर फी सीट, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये दो, इसमें भी दो कॉलम होता है, एक मेन कैंपस में होता है और एक एफिलेटेड में होता है। जैसे आपको पता है कि बीएचयू के कई सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं, जैसे कि आरजीएससी हो गया, डीएबी हो गया, एएमपीजी हो गया, बीसीडब्ल्यू हो गया, ये सभी जिसके एफिलेटेड कॉलेज हैं। और इसी के साथ एमएमबी भी है जो कि इसके इंटेग्रल कॉलेज है, तो ये भी मैं बताऊंगा। तो फी रेगुलर को तो सभी लोग को जानकारी है ही, तो रेगुलर के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे आते हैं कि पेड सीट क्या होता है। पेड सीट मीन्स एक्स्ट्रा सीट आप बोल सकते हो, जो कि फाइनेंशियल बेसिस पे बनाया गया है, फाइनेंशियल बेसिस बनाया गया है, पैसे मनी के बेसिस पे इसको बनाया गया है, और ये मनी पर्पज के लिए ही बनाया गया है। और अब इसके परसेंटेज के बारे में बात करें तो एक एग्जांपल सेट करते हैं हम लोग। क्या एग्जांपल सेट करते हैं? देखिए यहाँ पे सपोज कि बीएचयू के किसी कोर्स में 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। अब मैं बताऊं कि किसी भी कोर्स में जाओगे उसमें आपको लगभग पेड सीट मिलने के चांसेस होते हैं। पेड सीट जो होता है वो 100 सीट पे 15% लगाया जाता है, मींस जितने सीटें होती हैं उसकी 15%। अगर मैं 100 का एग्जांपल ले रहा हूं तो मतलब 100 में 15 सीटें जो हैं वो हर एक कोर्स वाइज 100 सीट पे 15 सीट जो होती है वो पेड के बेसिस पे एडमिशन होगा। 100 में से 15 नहीं, 100 के बाद 15, ये ध्यान रखना, मतलब टोटल सीट हो जाएगी अब 100 प्लस 15। इस 15 वाले नंबर जो सीटें आएंगी इसमें जो एडमिशन लेगा वो पेड सीट पे एडमिशन लेगा। ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया, मतलब ये किसी के सीट नहीं काटता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए जो 100 सीटें बनाई गई हैं उसमें लोग पैसा देके, मींस एक्स्ट्रा पैसा देके, ज्यादा पैसा देके वो 100 सीटें हमारे ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा 100 सीट सेफ है, उसके बाद 15 सीट जो है वो एक्स्ट्रा बनाया गया है और उसमें लोग पैसे देके जा सकते हैं। लेकिन वो पैसा भी किस प्रोसेस से फॉलो होगा? तो मेरिट बेस पे फॉलो होगा, ध्यान रखना, वो भी मेरिट बेस पे फॉलो होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि सीट कितनी है,
तो सभी कोर्स में 15% सीट जो होती है वो पेड सीट के लिए रखी जाती है। इसे सुपर न्यूमेरी सीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सुपर न्यूमेरी सीट भी बोलते हैं। अब मैं बात करता हूं कि रिजर्वेशन इसमें होता है कि नहीं। तो ये जो 100 में से 15 सीट निकल के आया है, इस देर आर नो रिजर्वेशन, इसमें किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होता है। जिसके मार्क्स अच्छे होंगे वो पेड सीट में जाएगा, फर्दर रेगुलर सीट फी सीट के बाद, इस वाले सीट के बाद जिसकी मेरिट कंटिन्यू होगी वो इस 15 सीट पे जा सकता है। उसके बाद मैं अगर फी स्ट्रक्चर की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देना इसको, फी स्ट्रक्चर की बात करूं, क्योंकि यहीं से पेड सीट अपना क्राइटेरिया बदलता है, थोड़ा अपना फीचर चेंज कर लेता है, इसकी प्रॉपर्टी है। देखो क्या होता है, अगर हम रेगुलर सीट पे एडमिशन लेते हैं तो जनरली हमारे अगर किसी कोर्स में कॉमन एग्जांपल लू मैं बीआर सोशल का, तो यहाँ पे 1900 रुपए के आसपास लगता है, 1900 से 2000 आप मान लो लगभग यहाँ पे फीस लगता है। लेकिन अगर यही बच्चा मेन कैंपस के पेड सीट के थ्रू एडमिशन लेता है तो उसका 10,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा। मीन्स पेड सीट की जो फीस होती है वो 10,000 प्लस रेगुलर सीट हो जाती है। मतलब 10,000 तो पेड सीट का देगा, फिर वो रेगुलर सीट का भी पैसा इंक्लूड करेगा। मतलब टोटल अगर मैं 8 फैकल्टी का बस काउंट करूं मेन कैंपस में तो 10,000 मतलब हो जाएगा 11,900। समझ में आ रहा है? मतलब मान के चलो कि मोटी मोटा 12,000 रुपए उसको रेगुलर मेन कैंपस में पेड सीट के थ्रू से एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल सेट करके लिखाऊं, आप इसको देख लो। जैसे कि आर्ट्स में 10,000 प्लस रेगुलर, सोशल में सॉरी एफिलेटेड में, क्योंकि आर्ट्स और सोशल की लगभग फीस सेम होती है, अगर मैं एफिलेटेड में जाता हूं तो ये फीड सीट और बढ़ जाती है और ये 15,000 से 18,000 प्लस रेगुलर सीट की जो फीस होती है वो इंक्लूड हो जाता है। मतलब ये 1900 से 2000 रुपए सीट और पेमेंट जो होगा वो ऐड होगा इस 18,000 से 15,000 रुपए में, ध्यान रखना। और उसी के साथ अगर मैं साइंस की बात करूं तो 30,000 रुपए लगभग उनका ऐड हो जाएगा पेड का, 30,000 रुपए, ध्यान देना। और वही 20,000 के आसपास कॉमर्स का ऐड हो जाता है। अभी मैं फीस पे आपके ले आऊंगा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है तो आप उसके लिए परेशान मत होना, मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद अगर फीस से मैं अगर मैं आगे बढ़ू तो हॉस्टल की बात आती है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बार बार लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि सर अगर हम पेड से एडमिशन ले रहे हैं तो हमें हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, BHU का हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। मैं बता दूं, हॉस्टल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि BHU बुलेटिन, मतलब यूं बोलो कि BHU का जो संविधान है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि उसको किस बेसिस पे उसमें एडमिशन लेना है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हॉस्टल एडमिशन प्रोसीजर में चेंजेस भी आता है। जैसे अभी हॉस्टल सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो कितना फॉलो करता है, 80-20% फॉलो करता है। मतलब 80% मेरिट बनेगा आपके मार्क्स पे और 20% मेरिट बनेगा आपके डिस्टेंस पे। तो इसमें पेड सीट को कभी कहीं नहीं बोला गया है कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात आती है कि जब ये नहीं बोला गया है तो पेड सीट को हॉस्टल क्यों नहीं मिलता है? तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, ऑलरेडी जो ये पेड सीट की एडमिशन है वो सबसे लास्ट में होता है। मींस रेगुलर की पूरी सीट फुल हो जाने के बाद पेड सीट के बच्चों को बुलाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप रेगुलर वाले बच्चों के मेरिट के सबसे पीछे लगे हुए हो। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि जब रेगुलर फीस का बच्चों को हॉस्टल नहीं मिला है तो पेड सीट के बच्चों को हॉस्टल कैसे अलॉटमेंट दे सकता है? कभी भी पैसे के बेसिस पर उनको हॉस्टल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसी सिटी है जहां पे प्रतिभाओं का क्या होता है, विकास किया जाता है। आपसे अगर अच्छा पढ़ने वाला बच्चा रेगुलर सीट में एडमिशन लिया है मेन कैंपस में और उसको हॉस्टल मिला ही नहीं है तो कैसे पेड को हॉस्टल दे देंगे? मेरा समझ रहे हो क्या है? मतलब ये मेंशन नहीं है कि पेड को हॉस्टल नहीं मिलेगा, लेकिन पेड को हॉस्टल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उनकी जो उनके पहले उनसे ज्यादा मेरिट वाले बच्चों को हॉस्टल नहीं मिला होता है, क्योंकि BHU में मात्र 30% बच्चों को हॉस्टल ही लगभग मिलता है। ये एशिया का सबसे बड़ा रेडिशियन यूनिवर्सिटी है, बता दो सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मात्र 30% 33% के आसपास बच्चों को भी हॉस्टल मिलता है। बाकी बच्चे यूनिवर्सिटी के बाहर लॉज हो गया, हॉस्टल्स हो गया, रूम्स वगैरह लेके रहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आई थिंक आपको हॉस्टल ही समझ में आ गई होगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक और फैक्ट ध्यान कर लो कि ये जो हॉस्टल है, अगर पेड सीट में कोई पीएच बच्चा एडमिशन लेके जाता है तो उसको हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि पीएच बच्चों का एडमिशन 100% मिलता है। हाँ, एक और फैक्ट ध्यान कर लो यहाँ पे, अगर कोई मेडिकल सफरिंग कैंडिडेट है, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को मतलब थोड़ा सा डेंजरस बीमारी है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी ऐसी प्रॉब्लम्स है कि वो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं उसको सेफ्टी की जरूरत है, तो वो एडमिशन के बाद अपने फैकल्टी डीन और डिपार्टमेंट के हेड से मिलकर बात करके वो हॉस्टल के लिए अप्रोच कर सकता है, और ऐसे हॉस्टल उनको मिल भी जाते हैं। ठीक है, मैं बोला ना कि हॉस्टल जो है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पे। ठीक है,
तो चलो ये कारण हो गया। अब मैं स्कॉलरशिप की बात यहाँ थोड़ा सा मैं कर लूं। बीएचयू में स्कॉलरशिप भी मिलता है, बहुत लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म सेंटर से फिलअप कराते हैं, बहुत लोग स्टेट से स्कॉलरशिप लेते हैं, और ये स्कॉलरशिप जो होता है ये हमारे रेगुलर फीस सीट के बेसिस पर स्कॉलरशिप मिलता है, क्योंकि आप फी पेमेंट करोगे फिर आपको ये क्या मिलेगी कि रिसीविंग मिलेगी फी पेमेंट का। सपोज कि मैंने 1900 रुपए का पेमेंट किया है तो मुझे 1900 रुपए की रिसीविंग मिलेगी, मैं इसी 1900 के रिसीविंग के बेसिस पे मैं स्कॉलरशिप फिलअप करता हूं और इसी बेसिस पे गवर्नमेंट मुझे क्या करती है स्कॉलरशिप फंडिंग करती है, ठीक है। तो ये जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा वो पेड सीट को भी इसी 1900 के बेसिस पे मिलेगा, ना कि उन्होंने 30,000, 10,000, 20,000 रुपए दिया तो उनके बेसिस पे इनको पैसा रिफंड होगा, ठीक है, क्योंकि ये उनकी जो एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं 30,000, 20,000, 10,000 ये यूनिवर्सिटी फंडिंग में जाता है, उसके डेवलपमेंट में जाता है, ना कि गवर्नमेंट के किसी अकाउंट में जाता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि गवर्नमेंट ये पेड सीट का बीएचयू ने अपने खुद के विकास के लिए बनाया है। अगर आप बीएचयू में पेड सीट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो उसका जो पैसा जाएगा वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के हेड और डीन वगैरह पैसा लेते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट वगैरह में लगाते हैं, बाकी जो हमारी फीस होती है वो कहीं ना कहीं कहां जाती है गवर्नमेंट के खाते में जाती है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता होगा। खैर ये लंबी स्टोरी है, लेकिन कहने का मतलब मैं यहां बता दिया कि जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस है इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपको स्कॉलरशिप के थ्रू ये पैसे आपको रिटर्न होने वाले, हाँ नो डाउट कि रेगुलर बच्चे जो है उनकी फीस रिफंड हो जानी चाहिए, मैक्सिमम हो भी जाती है, 1-2 साल, 3 साल में 2 साल के लगभग आ जाते हैं स्कॉलरशिप। हाँ यहाँ पे लगभग मैंने इतनी बातें आपको बता दी। हाँ एक बार और बता दें थोड़ा सीट के बारे में, तो आर्ट्स फैकल्टी में जो इस बार सीट है लगभग पेड का 110 है और सोशल में लगभग 80+ है, ठीक है। और ऐसे आप अगर डिमांड करोगे तो मैं आपको कमेंट बेसिस पे वीडियोस बना दूंगा, अगर डिमांड है कि हाँ मुझे मुझे पीजी का भी बताइए, यूजी का बताइए, फीस स्ट्रक्चर, मींस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके दिमाग में आता है आप कमेंट्स करो और रिक्वेस्ट करो, 100% बीएचयू पाठशाला की टीम आपको आपके कॉमेंट्स के बेसिस पे वीडियोज बनाएगी, ठीक है। सो प्लीज एकदम शांत स्वभाव से अच्छा सा पीसफुल माइंड से इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि बीएचयू पाठशाला वन ऑफ द बेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब जो कि इतनी अच्छी एनालिसिस के साथ वीडियोस आपको देते हैं। और बीएचयू पाठशाला का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 16 अक्टूबर से सभी कोर्सेज का, उसमें सभी कोर्स यूजी एंड पीजी का स्टार्ट होने जा रहा है, कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो हम लोग इस बार छोड़ रहे हैं। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, जिसको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है उस पर अपना कोर्स डिटेल मतलब नेम, कोर्स एड्रेस और मीडियम व्हाट्सएप कर दे, फर्दर मैं वहां से इन्फॉर्म कर दूंगा आपको क्या आगे क्या प्रोसीजर है। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।